बिस्मिल्ला अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद फौद मलिक स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर इलेवन से आज जो हमने आर्टिकल करना है उसका नाम है पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन तो आइए देखते हैं स्टूडेंट डिफरेंट इंजन अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उन सब का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है दैट इज बेस्ड अपॉन साइकिल कुछ इंजन ऐसे होते हैं जो कि अपने एक साइकिल को दो स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं उसको हम टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं और कुछ इंजन ऐसे होते हैं जो कि अपने एक साइकिल को चार स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं इसको हम फोर स्ट्रोक इंजन कहते हैं हम पहले यहां पर टिपिकल फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को स्टडी करेंगे ये आपके सामने एक फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की डायग्राम बनी हुई है इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं दिस इज इनटेक जहां से फ्यूल और एयर का क्रैक्स मिक्सचर इंजन के अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ दिस इनटेक वेल्व ठीक है दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट है और एग्जॉस्ट के साथ अटैच वेल्व को हम एग्जॉस्ट वेल्व कहते हैं इन दोनों वेल्ब के दरमियान में ये स्पार्क प्लग है जो कि स्पार्क प्रोड्यूस करता है ठीक है नेक ऑफ द इंजन को हम नाम देते हैं सिलेंडर का और इसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है दैट इज डोन एज पिस्टन पिस्टन कनेक्टेड होता है क्रैंक शेफ्ट से और क्रैंक शेफ्ट आगे कनेक्टेड होता है फ्लाई व्हील के साथ जो कि रोटेट करता है ठीक है अब स्टूडेंट इसमें पिस्टन हेड नेक ऑफ द इंजन जिसको हम सिलेंडर का नाम देते हैं इसमें अप डाउन मूव करता है ठीक है इसमें आपने ये खास बात याद रखनी है कि जब भी पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं आउटवर्ड मोशन ठीक है और जब पिस्टन हेड ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसको हम नाम देते हैं इनवर्ड मोशन का तो ये दो बातें आपने जहन में रखनी है क्योंकि नॉर्मली ये कुछ कंफ्यूज कर देती हैं कि पिस्टन जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको आउटवर्ड होना चाहिए नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको इनवर्ड होना चाहिए लेकिन ये ऑपोजिट यहां पर बनता है ठीक है डाउनवर्ड मूव करेगा उसको आउटवर्ड कहते हैं अपवर्ड मूव करेगा तो इसको इनवर्ड कहते हैं अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ और वर्किंग में कौन से चार स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से इसका साइकिल कंप्लीट होता है वो हम लिखते हैं आइए देखिए वर्किंग चूंकि ये फोर स्ट्रोक इंजन है इस वजह से इसमें चार स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं नंबर वन दैट इज नोन एज इनटेक स्ट्रोक नंबर टू कंप्रेशन स्ट्रोक नंबर थ्री पावर स्ट्रोक और नंबर फोर एग्जॉस्ट स्ट्रोक तो स्टूडेंट्स ये स्टेप बाय स्टेप इन स्ट्रोक्स के ऊपर मूव करता है और हम अब बारी बारी इसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं स्टूडेंट ये हमारे पास एक टिपिकल फोर्स स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है जो कि नॉर्मली अभी ऑफ है ठीक है हम साइकिल को स्टार्ट करते हैं विद द इंटेक स्ट्रोक इनटेक स्ट्रोक में सबसे पहले इनटेक वेल्व ओपन होता है और इसके साथ ही पिस्टन हेड डाउनवर्ड मूव करता है और इसकी डाउनवर्ड मोशन को हमने क्या नाम दिया हुआ है आउटवर्ड ठीक है अब एयर और फ्यूल का क्रैक मिक्सचर एटमोस्फेरिक प्रेशर पे सिलेंडर के अंदर आ जाता है फ्रॉम द कार्बोरेटर ठीक है इसको हम क्या नाम देते हैं इनटेक स्ट्रोक का नाम देते हैं उसके बाद सेकेंड स्टेप है कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक में इनटेक वेल्व बंद हो जाता है जबकि पिस्टन हेड ऊपर की तरफ मूव करता है पिस्टन हेड मूव करेगा तो इसकी वजह से सिस्टम एडियोबेटिकली कंप्रेस किया जाता है एडियोबैटिक कंप्रेशन की वजह से इसका प्रेशर भी इंक्रीज करता है और साथ में इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है इसके बाद हमारे पास थर्ड स्ट्रोक शुरू होता है दैट इज नोन एज पावर स्ट्रोक पावर स्ट्रोक में स्पार्क प्लग एक स्पार्क जनरेट करता है जिसकी वजह से मिक्सचर को आग लग जाती है जैसे ही मिक्सचर बर्न होना शुरू होता है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है और वो एडियाबेटिकली एक्सपेंड करता है ड्यू टू दिस एक्सपेंशन मिक्सचर पिस्टन हेड के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना शुरू करता है जिसकी वजह से पिस्टन हेड आउटवर्ड मूव करता है अब इसके आउटवर्ड मूव करने की वजह से एनर्जी ट्रांसफर की जाती है टू द क्रैंक शेफ्ट और क्रैंक शेफ्ट आगे चूके फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड होता है तो फ्लाईवील रोटेट करना शुरू कर देता है इसके बाद फिर हमारा फाइनल स्टेप शुरू होता है दैट इज नोन एज एग्जॉस्ट स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पहले एग्जॉस्ट वेल्व ओपन होता है फिर पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा अपवर्ड मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया है इनवर्ड मूवमेंट ठीक है तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन की वजह से जो रेजुडल गैसेस होती हैं सिलेंडर के अंदर उनको एग्जॉस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है तो इस तरीके से इसके इसके चार स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद फिर से साइकिल इनटेक स्ट्रोक से शुरू होता है एंड सो ऑन सो यह चलता रहता है स्टूडेंट्स इंजन जो अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया है यह वन सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन है जो कि नॉर्मली मोटर बाइक्स में यूज किया जाता है हमारी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में एक और इंजन भी दिखाया गया है जिसमें चार सिलेंडर्स यूज किए गए हैं चार सिलेंडर्स का मतलब यह नहीं होता कि यह फोर स्ट्रोक इंजन है इसमें हर एक सिलेंडर फोर स्ट्रोक परफॉर्म कर रहा होता है यह फोर सिलेंडर इंजन कार में यूज किए जाते हैं क्योंकि कार एक बड़ा व्हीकल होता है जिसको रन करने के लिए हमें ज्यादा पावर की जरूरत होती है अब ये चारों इसमें एक के बाद एक एनर्जी जनरेट करता है यानी कि पावर जनरेट करके क्रैंक शेफ्ट को प्रोवाइड करता है ठीक है ताकि कार की रनिंग स्मूथ हो सके इसमें अगर पहला सिलेंडर पावर जनरेट नहीं कर रहा तो दूसरा कर रहा होगा दूसरा नहीं कर रहा तो तीसरा कर रहा होगा तीसरा नहीं कर रहा तो चौथा लाजमी कर रहा होगा ठीक है तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि चारों में से कोई ना कोई एक सिलेंडर एट अ गिवन टाइम एनर्जी डिलीवर कर रहा होता है और स्टूडेंट्स फाइनली उसने हमें यह बताया हुआ है कि पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है तो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी 25 से 30 परसेंट होती है यानी कि जितनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसमें ट्वेंटी से थर्टी को वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करती है और रेस्ट ऑफ द एनर्जी हीट की फॉर्म में एटमोस्फियर में एक्सपेल कर दी जाती है तो स्टूडेंट ये है पेट्रोल इंजन अब आइए हम डीजल इंजन को डिस्कस करते हैं डीजल इंजन स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास एक डीजल इंजन है अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसी तरीके से हमें एक इनलेट वेल्व नजर आ रहा है एक एग्जॉस्ट वेल्व नजर आ रहा है और इन दोनों के दरमियान में फ्यूल इंजेक्टर है पेट्रोल इंजन में हमने ये बात की थी कि इन दोनों वेल्व के दरम्यान में एक स्पार्क प्लग एग्जिस्ट करता है डीजल इंजन में किसी स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती इसकी जगह पे फ्यूल इंजेक्टर होता है ठीक है उसी तरीके से हमारे पास जो नेक है इंजन की उसको हम सिलेंडर का नाम देते हैं सिलेंडर में ये जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है दिस इज नोन एज पिस्टन पिस्टन जो है आगे क्रैंकशेफ के साथ कनेक्टेड होता है विच इज फर्दर कनेक्टेड टू द फ्लाई व्हील तो बेसिकली दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम है लेकिन डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता जबकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है अब स्टूडेंट ये भी अपना एक साइकिल चार स्टेप्स में ही कंप्लीट करता है तो दिस इज बेसिकली फोर स्ट्रोक डीजल इंजन अगर हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में पहला स्ट्रोक इसका इनटेक स्ट्रोक बनेगा जिसमें इनलेट वेल्व ओपन होता है और एयर सिलेंडर के अंदर आ जाती है विद द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन यानी कि पिस्टन नीचे की तरफ आएगा इनलेट वेल्व ओपन होगा और एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर आ जाती है सेकेंड स्ट्रोक जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट वेल्व बंद होगा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा जिसको हम इनवर्ड मोशन कहते हैं और एयर जो के सिलेंडर के अंदर होती है उसको एडियाबेटिकली कंप्रेस कर दिया जाता है दिस इज द सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप होता है पावर स्ट्रोक का अब पेट्रोल इंजन में हमने यह बात की थी कि एक स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता है यहां पे तो कोई स्पार्क प्लग एग्जिस्ट नहीं करता तो एट दिस मैक्सिमम कंप्रेशन फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को उस हाईली कंप्रेस्ड एयर जिसका टेमपरेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उस पर इंजेक्ट करता है और जैसे वो इंजेक्ट करता है तो डीजल के ड्रॉपलेट एयर के साथ होते हैं और ड्यू टू फ्रिक्शन मिक्सचर जो है वो बर्न होना शुरू हो जाता है और बर्निंग की वजह से वो एटीमेटिकली एक्सपेंड करेगा और इस एक्सपेंशन की वजह से पिस्टन हेड के ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि पिस्टन हेड को नीचे की तरफ या डाउनवर्ड मूव करवाती है स्ट्रोक जिसमें एंजन पावर डिलीवर करता है टू द क्रैंक और जो आके फ्लाई व्हील को ट्रांसफर कर दी जाती है उसके बाद फाइनल स्ट्रोक हमारे पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है पिस्टन हेड ऊपर की तरफ आएगा जब एग्जॉस्ट वेल्व ओपन हो चुका होता है और सिलेंडर के अंदर मौजूद जितनी भी रेजिडल गैसेज होती है उनको वो एग्जॉस्ट के रास्ते बाहर निकाल देता है तो स्टूडेंट इन दोनों की वर्किंग फोर्थ स्टेप पे अप्रोक्सिमेटली सेम होती है ठीक है Finally, उसने हमें डीजल इंजन की एफिशिएंसी बताई हुई है तो एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन दैट इज अप्रोक्सीमेटली थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट यानी कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट होता है तो स्टूडेंट ये है हमारा आज का लेक्चर उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा इजाजत चाहते हैं अल्लाह हाफिज